प्रदेश में 12,000 के शिक्षकों का पद खाली है, जिसको लेकर सैकड़ों बीटीसी अभ्यर्थी हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी इसके बाद विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, तब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की और लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान कई अभ्यर्थी बेहोश हो गए। तो बहाली को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां पर बीटीसी अभ्यर्थी मौजूद रहे, इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया उस दौरान जब विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। वहां पर पुलिस पहुंची और उन्होंने रोकने की कोशिश की, इस दौरान लाठीचार्ज किया पुलिस ने और कुछ लोगों को चोटें आई हैं, कुछ लोगों के बेहोश होने की खबर भी आई। आप देखिए उस वक्त की तस्वीरें, जब घसीट कर वहाँ से अभ्यर्थियों को पुलिस हटा रही थी और जब अभ्यर्थी नहीं माने तो उन पर लाठीचार्ज भी किया गया है। लखनऊ में ये तस्वीर आज सामने आई है। 12,000 भर्तियों को लेकर के ये प्रदर्शन लगातार बीटीसी के अभ्यर्थी कर रहे हैं। चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। चंद्रमणि, अभी भी क्या ये प्रदर्शन चल रहा है और जो लाठीचार्ज हुआ उसमें क्या कुछ घायल भी हुए हैं लोग? जी बिल्कुल, अभी भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों का प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है जो आगे जाके मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेगा। बहरहाल लाठीचार्ज और धक्का मुक्की जमकर हुई इनकी और पुलिस के बीच में, जिसमें कई छात्र घायल भी हुए और कुछ छात्र बेहोश भी हुए, क्योंकि जब धक्का मुक्की हुई और कुछ जो बर्बरता पूर्वक पुलिस ने इन पर जो हाथापाई की उसमें कई छात्र घायल हुए। जी अभी क्या बातचीत कुछ आगे बढ़ पाई है, क्या कुछ कहना है प्रशासन का? जी प्रशासन की तौर से बातचीत का दौर प्रारंभ किया गया है और इनका 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है जो कि अब जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से आगे इनकी कार्रवाई की जाती है या किस तरह से इनको सांत्वना दी जाती है। कुछ लोगों के बेहोश होने की खबर थी जब पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रही थी, अभी क्या स्थिति है उनकी? जी उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद में उनके हालत में सुधार देखा जा सकता है साफ तौर से, पर जब वहां पर स्थिति थी वो काफी विकराल थी और तनाव की स्थिति के कारण इन दोनों कई छात्र वहां पर गिरफ्तार करने पड़े और कई छात्र वहां पर मूर्छित भी हुए। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।